हेलो फ्रेंड्स, नाइते कुणाल साइनिंग इन अगेन। हाँ, आखिरकार काफ़ी दिनों बाद आपके दर्शन हुए महानुभाव, मतलब मेरे दर्शन। आप ऐसा सोच रहे होंगे तो काफ़ी सारे मन में डाउट्स हैं आपके, कि बहुत सारे, जैसे कि मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं पहले से ही लिखे हुए, और मेरे पास काफ़ी सारा कमेंट आया, काफ़ी सारे कुछ मुझे कहा गया, मुझे बहुत कुछ बोला गया। तो मैंने उन सब कमेंट्स को देखा, और उस समय कुछ और ही फेज चल रहा था और कुछ और फेज चल रहा है, दोनों के दोनों बहुत डिफरेंट है। और अब मैं पूरी तरह से डिटरमिंड हूँ, ठीक है, कि मुझे आगे क्या करना है और मुझे आगे कहाँ पर जाना है। ठीक है, तो काफ़ी सारे सवाल हैं, जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पहला सवाल, कहाँ थे अब तक भाई? आप थे कहाँ जो अचानक से आए, काफ़ी सारे वादे किए, काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए, मतलब लगभग लगभग 109 वीडियोज़ तो एक साल के अंदर बना ही दिए थे, और काफ़ी सारे अच्छे कमेंट्स। मैं तो कहता हूँ, मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स से वीडियोस देखे हैं, और उनमें से काफ़ी सारे लोगों में से जो मेरे चैनल पे आए थे, उनमें से बहुत सारे लोगों का मानना यह था कि मैं बहुत सही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और इसी तरह से मुझे आगे चलते चला जाना चाहिए। लेकिन मैं कहीं ना कहीं जाके आगे रुक गया, और वीडियोज़ आने अचानक बंद हो गए, मैंने चैनल को भी अचानक से पॉज दे दिया एक, और सब चीज़ डिसेबल हो गया। ठीक है, एग्जाम के कुछ दिन पहले, इस बार नीट 2018 होने वाला था, उससे कुछ दिन पहले सितंबर या शायद अक्टूबर में, मुझे जहाँ याद है, मैंने चैनल को वापस से रिफ्रेश करना स्टार्ट किया, वापस से मैंने उसे सही करना स्टार्ट किया। ठीक है, पूरे साल मैं बायोमेंटर्स को एक्चुअली फॉलो कर रहा था, जैसे मैं बता दूँ आप लोगों को। ठीक है, आई एम फैन ऑफ डॉक्टर जितेंद्र सर, और अगर उस फॉलोइंग के दौरान जब मैंने उनका पैशन देखा, और फिर उनके मतलब जो बच्चों का पैशन देखा, और उनके साथ जब तक मैं जुड़ा रहा, ही चेंज माई लाइफ। ओके, कहाँ था अब तक, अगर इसका जवाब आप लोग मांगिएगा तो फिर मैं अपने घर में भी नहीं था, सेपरेट रूम ले लिया था मैंने एक। ठीक है, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अभी मैं अपने बारे में बात करना सही नहीं समझता। द रीज़न इज़ कि अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, जितने वादे थे आप लोगों से वो मैंने पूरे नहीं किए, जितने भी और भी मैंने जो कमिटमेंट दिए थे वो मैंने पूरे नहीं किए, मैं मानता हूँ। आई एम वेरी 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 सॉरी फॉर दिस, वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस, लेकिन क्या करें, होता है कभी कभी ऐसा। लेकिन हाँ, एक बहुत अच्छा रिफ्रेश स्टार्ट ले रहा हूँ मैं, और आगे बहुत आगे तक जाएंगे हम लोग, इसका टेंशन आप बिल्कुल नहीं लीजिए। और हाँ, इस चेंज को आप कल से ही देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को कल से ही काफ़ी कुछ मिलने वाला है। और इस बार अगर मैं वादा तोड़ूँ तो प्लीज़ बाकी जो 1400 सब्सक्राइबर हैं उन्हें बोल दीजिएगा कि अनसब्सक्राइब कर दो यार इस बंदे को, आदित्य में कोई दम नहीं, आदमी में कोई दम नहीं है, छोड़ो यार, इससे नहीं होने वाला, बाकी और भी बहुत लोग हैं। ठीक है, मैं कहाँ था अब तक, इसका मैं सही से जवाब अभी नहीं देना चाहता, हम लोग सब डिस्कस करेंगे, बट अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता, मैं कुछ कर नहीं लेता, आप लोग को मैं वादे पूरे नहीं कर देता, मतलब मैं मुझे इस चीज़ का शायद जवाब देना मुझे सही नहीं लगता कहीं कहीं हद तक। क्योंकि अगर आप बिना कुछ सामने वाले को, या फिर अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपने फ्रेंड्स हैं मेरे, उनको बिना कुछ कहे कहीं चला जाऊँ और उन्हें कुछ बताऊँ नहीं, तो ये बहुत गलत होगा। ये चैनल किन के लिए स्टार्ट किया गया, कौन सी फ्रेंड थी मेरी, क्या था, क्यों ये चैनल स्टार्ट हुआ, और ये चैनल आज कहाँ तक आ गया, उन सब के बारे में बात करेंगे। बट वी शुड रीच आवर डेस्टिनेशन फर्स्ट, पहले हमें अपना काम बहुत जल्दी करना है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला, क्योंकि कल से हम लोग बहुत तेज़ी से काम करने वाले हैं आगे। ये वीडियो आपको आज रात में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं सवेरे डालने में थोड़ा डर रहा था, काफ़ी दिनों बाद मैं कैमरा को फेस कर रहा हूँ, और मैं थोड़ा सा हो भी गया हूँ, तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि मैं बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस खो चुका था, सही कहूँ तो थोड़ा सा। अभी चलिए बात नहीं करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। तो अब क्यों आ गए, है कि नहीं, बहुत लोग क्वेश्चन सवाल कर रहे हैं। ऐसे एक एक, एक स्टूडेंट है मेरी, जो क्या बोलते हैं, यूट्यूबर, यूट्यूब पे ही है, ठीक है, उसका शायद निशिता नाम है, ये वो निशिता पुरोहित नहीं है बाय द वे, ठीक है। तो अब क्यों आ गए, तो अब मैं क्यों आ गया, इसका बारे में मैंने बताया आप लोगों को। देखिए, यूट्यूब में बहुत कोई है जिनका मैं फ़ैन हूँ, पर्सनली मैं फ़ैन हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उन्हें बिल्कुल फॉलो करें, और बिल्कुल बाय हार्ट फॉलो करें। सबसे पहले तो बायोमेंटर्स, मतलब ही इज़ अ गॉड, एक्चुअली ही इज़ अ गॉड, आई कैन नॉट से एनीथिंग, बिकॉज गॉड के लिए गॉड ही काफ़ी होता है, वी कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, है कि नहीं। अगर मेरे पास इससे अच्छा कोई शब्द होता, मैं शायद वो बोलता है, मैं सोच भी रहा हूँ शब्द को, आखिर होगा क्या वो शब्द, बट या ही इज ग्रेट। देन फिर हमारे जो दुष्यंत सर हैं, ही इज ऑल्सो ग्रेट, आउटस्टैंडिंग मैन, उन्होंने जितना वादा किया वो पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत बिजी शेड्यूल है उनका, फिजिकल क्लास में उन्हें टाइम नहीं मिलता,
तो लेकिन वो जितना कमिट करते हैं कि हाँ मैं बच्चों को दूंगा, वो छोटे छोटे वीडियोस बना के देते हैं और वो बहुत फायदेमंद होते हैं। प्लीज वॉच देम। थर्ड जो हमारे बीवाइस क्लासेस के सर हैं, ठीक है, काफी अच्छे सर हैं, काफी अच्छे टीचर हैं वो। फिर दो जो नए हैं लेकिन ग्रेट हैं, आने वाले समय में हम लोग जानते हैं कि मैं चाहता हूँ यार पर्सनली उनके साथ काम करना। एक्चुअली मैं चाहता हूँ उनके साथ काम करना। अब मैं शुरू कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो मेरा एक बार नाम ले यार, प्लीज। मैं इन सबको चाहता हूँ कि मेरा नाम ले, मैं उन सबसे मिलना चाहता हूँ। सबसे पहला तो सचिन राणा सर, आउटस्टैंडिंग। देन हमारे कौन, सोचिए सोचिए, आयुष राठी सर जी, राठी जी है कि नहीं? अरे हालांकि वो तो मेरे भैया टाइप्स लगेंगे, लेकिन मैं उन्हें सर बोल रहा हूँ, बिकॉज दे डिजर्व रेस्पेक्ट भाई, दे डिजर्व रेस्पेक्ट, जस्ट दे डिजर्व रेस्पेक्ट। तो मैं क्यों आ गया, इसका साफ साफ आंसर बस यही होगा कि मैं उन लोगों के कारण आया, और अब शायद उन लोगों के साथ या फिर उन लोगों के पीछे आगे बढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, साथ तो बहुत मुश्किल है अभी आगे बढ़ना, क्योंकि मैं उनके अगल बगल भी नहीं। आई एक्सेप्ट इट, बिकॉज दे कमिटेड एंड दे वो जो कमिट करते हैं वो पूरा करते हैं वो लोग, जितने भी के भी मैंने नाम लिया है अभी, ठीक है। लेकिन मैंने कमिटमेंट दिया, जब मैं उस हद तक आ जाऊं कि मैं अपने कमिटमेंट्स को पूरा कर पाऊं, तो बिल्कुल मैं उनके साथ चलना चाहता हूं और उनकी ही तरह आप लोग की हेल्प करना चाहता हूं। तो बताऊंगा, सब बताऊंगा, अभी नहीं, अभी तो मैं सारे क्वेश्चन जवाब देने के लिए आया हूँ, है कि नहीं? ज्यादा क्वेश्चन तो मैं उन क्वेश्चंस को जानना चाहता हूँ जो कि इस एक साल में मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो मैंने सितंबर से स्टार्ट किया दोबारा, तो काफी सारे बच्चे हैं, काफी सारे सब्सक्राइबर, मेरे 800 सब्सक्राइबर कुछ थे और अचानक से वो क्या बोलते हैं 1400 के आसपास आ गए। तो उन सबको जवाब देने के लिए अभी ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अब कोई जरूरत नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है, तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन का जवाब मैं देना चाहता हूँ, कोई जरूरत नहीं है, या ऑफ कोर्स यू डोंट नीड मी बिकॉज आपके पास बायोमेंटर्स हैं जो कि आपको तीनों पर आ रहे हैं सर, बायोलॉजी हो रहा है, फिजिक्स हो रहा है, केमिस्ट्री हो रहा है। आपके जो राठी सर जी हैं, हमारे सचिन राणा सर जी हैं, वो भी काफ़ी अच्छे दोस्त, तो वो तो 5 पढ़ाते ही हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, वो लोग भी लगे वीडियोज डाल रहे हैं वो लोग। और जो हमारे दुष्यंत सर हैं, वो भी फिजिकल क्लासेस लेने लगे हैं, ठीक है। एक मेड जे केमिस्ट्री वाले सर हैं, वो भी काफ़ी क्लासेस ले रहे हैं आप लोग के। तो दे आर ऑल डूइंग द बेस्ट दे कैन, है कि नहीं? बट मैं अपना प्लान बदल रहा हूँ। मैं कुछ सोचा हूँ जो पिछले 1 महीने से मेरे दिमाग में चल रहा था, और अब मुझे जाके वापस हिम्मत आया है कि मैं आप लोगों के सामने फिर से आ सकूँ और आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, ठीक है। और बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा आइडिया। फोर्थ क्वेश्चन, तुमसे बेहतर कई और हैं, है कि नहीं? मेरे से बेहतर कई और हैं। आई अंडरस्टैंड दिस एंड आई एक्सेप्ट दिस बाय माई हार्ट। मैं जानता हूँ मेरे से बेहतर कई और हैं, यूट्यूब पे आपको कई सारे मिल जाएंगे, और जो मैंने जिनका नाम लिया है उनके से तो मैं कंपैरिजन ही नहीं कर रहा अपना, मैं बस उन्हें अपना मेंटर मानता हूँ उन सब लोगों को, तो मैं उनका नाम ले रहा हूँ एज अ रिस्पेक्ट। इफ दे आर सीइंग मी, आप नाम नहीं भी लीजिए मेरा, आप बस एक बार मेरे लिए सोच लीजिए, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो क्योंकि वो स्टूडेंट्स का भला चाहते हैं, और मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है, मैंने खुद इस साल इस चीज को फील किया है बाय द वे। सो अब और नहीं, काफी हो गया। तो अब रेगुलर हो गए क्या, सबसे पहला बात, अब रेगुलर मैं होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा, और कल से ही होगा। और क्या क्या होने वाला है, मैं आपसे भी सजेशन लेता रहूंगा और आगे भी देता रहूंगा आपको सजेशन, है कि नहीं? अब आता है, व्हाई डू यू वॉन्ट टू हेल्प देम, आप उन्हें हेल्प क्यों करना चाहते हैं, और क्या उन्हें हेल्प की जरूरत है? फर्स्ट क्वेश्चन, क्या उन्हें हेल्प की जरूरत है जो आप हेल्प करना चाहते हैं? मतलब होता है बिन बुलाए बाराती टाइप्स, जानना पहचाना आ गए मेहमान हमारे, कि आया चलिए आपको हेल्प कर देते हैं हम। तो सबसे पहला इस सवाल का जवाब मेरे पास बस यही है कि देखिए, आप लोग को वो पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से वो लोग सब चीज़ आप लोग का ले रहे हैं, आप लोग को चैप्टर सॉल्व करवा रहे हैं, आप लोगों का सारा काम वो लोग कर रहे हैं। बट आई आई पर्सनली फील इट, वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं ना कि वो लोग चाहकर भी एक चीज नहीं कर पा रहे। हाँ, दे आर डूइंग इट वेल, वेरी वेल। कुछ कुछ टीचर्स उस सेक्शन पर भी काम कर रहे हैं जिस सेक्शन का मैं अभी बोलने वाला हूँ, प्लीज वेट थोड़ा देर।
मैं जो समझाना चाहता हूँ, वरना फिर आपको कमेंट बताना लिखने लगे तो लिखने लगेगा अरे यार क्या बोल रहा है यार, ये सब छोड़ दे यार, छोड़ दे यार टाइप्स। तो मैं वो नहीं चाहता, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दे आर डूइंग ग्रेट। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि वो लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, और इसी कारण वो लोग इस चीज़ पर टाइम नहीं दे पा रहे। कई चाहते हैं टाइम देना, बट आगे चल के उनके लिए मुश्किल हो जाएगा जब सिलेबस आगे बढ़ जाएगा, जैसे बायोमेंटर्स। और वो पॉइंट क्या है, डाउट, डाउट सेंटर। डाउट यानी कि स्टूडेंट्स के पास दो डाउट होते हैं और उन्हें सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वो लोग पढ़ा रहे हैं आप लोग को, आप लोग हजारों लाखों में हैं, और आप लोग कमेंट्स करते हैं उसके ऊपर, वीडियोस के ऊपर काफ़ी सारे डाउट आते हैं, काफ़ी को पर्सनली हैंडल किया जाता है बाय द वे टीचर्स के द्वारा, खुद ही वो लोग खुद हैंडल करते हैं, बट दे आर ह्यूमन यार, आप लोग के पास समझना पड़ेगा वो ह्यूमन है, वो कोई रोबोट नहीं है, दे आर नॉट रोबोट, सो दे कैन नॉट सॉल्व ईच एंड एवरी डाउट। ओके, पर्सनली मैं कहना चाहता हूँ, कोई अच्छा डाउट होता है तो वो लोग अच्छा सोचते हैं कि यार बाकी लोग का भला हो जाएगा इसे बता देता हूँ, और कुछ ऐसे डाउट होते हैं जो उनके क्लास से रिलेटेड होते हैं, जो उन्होंने बताया होता है लेकिन फिर भी बच्चों को समझ में नहीं आता, और वो उसे दोबारा डिस्कस करने के लिए बोलते हैं, और ऐसे बच्चे होते हैं, और ऐसे ही बच्चे कुछ कमाल करते हैं मैं बता रहा हूँ। तो अगर ऐसे डाउट हैं तो मैं उधर हेल्प करना चाहता हूँ। फर्स्ट थिंग मैं क्लियर करना देना चाहता हूँ कि मेरा अनाउंसमेंट बस यही है आज कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट इंडियन यूट्यूब चैनल, बिकॉज आई हैव नो आइडिया अबाउट द इंटरनेशनल और आउट ऑफ इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर कोई ऐसा यूट्यूब चैनल है या नहीं है एजुकेशन से रिलेटेड। बस ये है कि आपको ऑन डिमांड डाउट सॉल्व होगा, नो मैटर, मैं सबको फॉलो कर रहा हूँ आपके लिए सहूलियत के लिए, मैं इस साल भी सबको फॉलो करूँगा, चाहे वो बायोमेंटर्स हो, चाहे दुष्यंत सर हो, चाहे सचिन राणा सर हो, चाहे वो आपके आयुष रथी सर हो, चाहे मेट जेई केमिस्ट्री हो, ठीक है, मैं सबको फॉलो कर रहा हूँ। ओके, और आप लोगों को बस करना क्या है, मैं अपना आईडी प्रोवाइड करूंगा आप लोग को, ईमेल आईडी, जीमेल आईडी, बिकॉज इट मेक मी फील कंफर्टेबल और ये काम करने में आसानी होगा, और आप सबके पास ईमेल आईडी होगा बिकॉज नीट में ईमेल आईडी मांगा जाता है, तो आप लोग सबके पास होगा, जीमेल का होगा या किसी और चीज़ का होगा, नो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप लोगों को करना क्या है, जो भी डाउट है बस इसे ईमेल में टाइप कीजिए या फोटो अटैच कीजिए, उसमें सब चीज़ हो सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाना ये इजी है, बट मैं सबको सेव नहीं कर सकता, उसमें बहुत सारे आएंगे तो मैं उसमें कुछ और काम नहीं कर सकता जिसमें मैं डिस्ट्रैक्शन ना हो उस चीज़ में, तो इसी कारण से मैं जीमेल आईडी को चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके ऊपर अगर आपको कोई और अच्छा प्लेटफॉर्म पता है तो प्लीज़ सेंड मी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म हो तो। आपको करना क्या है, मैं मैथ्स नहीं बता सकता भाई कि मैं मैथ्स का स्टूडेंट नहीं हूँ पर्सनली, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, इन तीनों सब्जेक्ट में आप लोग को उनके लेसन्स में अगर कोई डाउट हो रहा है और अगर बाय चांस वो लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो लोग सॉल्व कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले उनके पास जाइए, और अगर वो लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दिस इज़ द डेस्टिनेशन एंड दिस विल बी द फर्स्ट यूट्यूब चैनल ऑफ इंडिया जहाँ पे ऑन डिमांड लेक्चर्स थ्रो किए जाएंगे, आप लोग को दिखाए जाएंगे, और वो भी डाउट से रिलेटेड होंगे। क्योंकि अगर कोई चैप्टर सॉल्व करने जाऊँगा मैं तो वो तो मैं करूँगा पर्सनली, जब जब मुझे टाइम मिलेगा मैं उस डाउट को क्लियर करने के साथ साथ, क्योंकि मेरा मेन फोकस डाउट रहेगा, ठीक है, और पर्सनली मैं बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे भी ऐड करता रहूँगा जो आपको उन लेक्चर्स के अलावा जो वो लोग दे रहे हैं उसको सप्लीमेंट करेगा। ओके, और चैप्टर्स को भी मैं डालूंगा, लेकिन चैप्टर्स अनअकैडमी पर डालेंगे क्योंकि मैं अब अनअकैडमी पर भी आ गया हूँ, ठीक है। तो मैं एक महीने से काफ़ी सारी तैयारी कर रहा था, मैं अनअकैडमी पर रजिस्टर कर रहा था अपना, तो उस चीज़ का भी आईडी मैं अपने लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक को दे दूंगा मैं, आप लोग वहाँ से जाके एनरोल कर सकते हैं काफ़ी सारे कोर्सेज को। वहाँ पे मैंने मॉलिक्यूलर बेस ऑफ जेनेटिक्स स्टार्ट कर दिया है, और आप लोग कैसे मैं बताना चाहता हूँ, तो मैं ये क्या बोल रहा था कि आपको बस जीमेल आईडी देना है, ठीक है, अपना जीमेल आईडी से मुझे कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आपको भेज देना है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि आप जो डाउट भेजिएगा मैं तुरंत सॉल्व करने लगूंगा, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं होगा कि एक आएगा तो मैं सॉल्व नहीं करूँगा, मैं हर एक एक डाउट को सॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है। आने वाले समय में अगर मुझे ये भारी पड़ेगा, मान लिया कि 1000-2000 होने लगे डाउट, तो मैं अपने साथ किसी और भी को जोड़ूंगा, जो कोई अच्छे टीचर हो या फिर मेरे फ्रेंड हो जो कि अभी काफ़ी अच्छे मेरे स्कॉलरशिप पर रहे हो, तो उनको मैं जोड़ना चाहूँगा, और उसके बाद से फिर हम लोग मिल करके ये काम करेंगे, ठीक है। तो वी वॉन्ट टू क्रिएट एन यूट्यूब चैनल स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स, एक्चुअली एनी स्टूडेंट है कि नहीं जिनके पास डाउट है, और ये हेल्प उन्हें करेगा, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ दे वॉन्ट इट,
एंड दे वॉन्ट टू ट्राई इट बाय देमसेल्फ्स. और कोई खराब ही नहीं हो रहा यार, सब कोई अपना पढ़ाने में लगे हुए हैं. चाहे कोई भी चैनल स्टार्ट करता है वो अपना पढ़ाने में लग जाता है. वो सोचता है यार पढ़ा देते हैं, काम खत्म हो गया, कुछ अर्निंग हो गया, चलो मेरा फेमस हो गया, फिर अपना फिजिकल क्लास स्टार्ट कर दूंगा मैं, चलो काम खत्म, मैं किसी पर इशारा नहीं कर रहा, ठीक है. लेकिन हाँ, बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं. मैं फेमस नहीं होना चाहता, मैं बस आप लोग के हेल्प करना चाहता हूँ, आप लोग के डाउट सॉल्व करना चाहता हूँ. अगर लेसन सॉल्व करने जाएंगे तो वो तो अनअकैडमी पे मेरा पास आपके पास रहेगा ही, मेरे आईडी से आप लोग लेसन देख सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो, ठीक है. और कुछ लेसन मैं यूट्यूब पर भी डालूंगा, नो डाउट. लेकिन हाँ, द मेन फोकस इज भी आपका क्या डाउट. दो और फोकस रहेंगे मेरे, जो कि मैं धीरे धीरे करके जब चैनल थोड़ा सा और सही से मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा, मैं उन सबके बारे में आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा, अभी भी अनाउंसमेंट बता दूंगा मैं, और वो सब स्टार्ट करेंगे. तो ये था फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर, जो काफी लंबा था. व्हाई डू यू वांट टू हेल्प देम एंड हाउ डू यू वांट टू हेल्प देम, व्हाट विल यू डू एक्चुअली. तो आपको समझ में आ गया होगा. अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को अनअकैडमी पे कोई लेसन चाहिए, ठीक है, तो प्लीज़ उसको इसी में कमेंट के नीचे लिख दीजिए. नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, और उसके बाद से फिर आप लोग उस अनअकैडमी चैनल पे जाकर उस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है. और अगर आप लोग को वही चीज़ अनअकैडमी पे नहीं यूट्यूब पे चाहिए, तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि यूट्यूब पे दीजिए भाई, क्योंकि मुझे आप लोगों की हेल्प करनी है. अनअकैडमी हो चाहे यूट्यूब हो, डजंट मैटर, ठीक है, हेल्प मैटर होना चाहिए. दूसरा तो मैं बता दिया मैंने आपको अनअकैडमी पे हूँ मैं. और तीसरा चीज़ आप लोग के लिए जो अनाउंसमेंट है वो ये है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, और ये आप लोग को अगले साल एम्स में टॉप करने में हेल्प करेगा. एम्स में टॉप करने में हेल्प करेगा. तो फिर अनाउंसमेंट क्या था भाई, तो अनाउंसमेंट ये है कि हर दो दिन पे, टू डेज, बिकॉज हर दिन कुछ नया करना, हर दिन कुछ नया ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि हर दिन कुछ जीके में नया नहीं होता है कि नहीं. तो एक थोड़ा सा सेट मिल जाए जो कि 10 मिनट से कम 10 से 11 मिनट, 10 मिनट के अंदर कम से कम वीडियो बनाने का हो जाए, तो दो दिन में मैं इसी तरह से आपके सामने आऊँगा, ठीक है, फेस टू फेस बातें होंगी, और मैं उसमें आपको जीके का अपडेट दूंगा. पिछले दो दिन में इंटरनेशनली नेशनली जो कुछ भी हुआ, उन्हें पॉइंटर वाइज आपको PDF लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको उस PDF से डाउनलोड कर लेना है. तो आज से दो दिन बाद, यानी आज वेडनेसडे है, तो आज अगर जो भी तारीख है उसके दो दिन बाद, ठीक है, तो वेडनेसडे आ जाए तो यानी थर्सडे फ्राइडे, यानी फ्राइडे को आपको वीडियो मिलेगा. फ्राइडे या सैटरडे से जिस दिन से वीडियो मिलना आपको स्टार्ट हो जाए जीके का, क्योंकि बाकी तो आपको कल से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि डाउट है. अगर डाउट आते हैं तो, और नहीं आएंगे तो फिर कोशिश करूंगा कुछ और डालूं, है कि नहीं, लेसन्स डालूं मैं कोई. तो उसके बाद आपको फ्राइडे या सैटरडे से जिस दिन से भी आपको जीके का वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, उसके हर दो दिन बाद से आपको कुछ जीके का नया मिलेगा. और कुछ हम लोग एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, अगर कुछ किसी दिन ज़्यादा अगर जीके में अपडेट नहीं रहा इंटरनेशनली या नेशनली, तो हम लोग उस दिन कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. फोर्थ अनाउंसमेंट जो है मेरा वो, क्योंकि पहला तो अनअकैडमी हो गया और बाकी तो मैं डाउट्स क्लियर किया आपको, डाउट वाला सेक्शन में बताया मैंने, आप जीके के बारे में बताया आपको. और चौथा सबसे मेन चीज, एवरीबडी सेज फिजिक्स पढ़ो, है कि नहीं, एवरीबडी सेज फिजिक्स पढ़ो, और कहाँ से पढ़ो भाई, एनजाइटी से पढ़ो. बट कौन पढ़ाता है एनजाइटी से आपको, कोई नहीं, है कि नहीं, आप लोग को सबको पढ़ाता है एवरीथिंग, फिजिक्स अच्छे से पढ़ाया जाता है आप लोग को, आपको सब चीज समझ में आता है. बट हाउ मैनी ऑफ यू पर्सनली स्टडीड द NCERT लाइन बाय लाइन, हाउ मैनी ऑफ यू, मे बी 100 में शायद 10 to 25 होंगे, 10 का दम चल रहा है, ठीक है. तो 100 में 25 या 10 to 25 के आसपास बच्चे होंगे, है कि नहीं. तो वो लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं NCERT को, और वही लोग क्या लाते हैं, 1 to 100 रैंक इन एम्स, है ना, और 1 to 10 रैंक इन नीट. तो बस सिंपल सा काम हम लोग करने वाले हैं. देखिए NCERT ऐसा किताब है जिसका मैं कॉपीराइट वायलेशन नहीं कर सकता, तो मैं पॉइंटर में आपको NCERT फिजिक्स नहीं समझा सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूँ, मैं आपको हर NCERT का हर पेज का जो जो मेन पॉइंट है एक ही चैप्टर करके उसको समझा सकता हूँ. फिजिक्स का 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है, जो कि कोई नहीं पढ़ा, इसमें साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड वी विल गो टू जहाँ तक कंप्लीट कर पाए, है कि नहीं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा सारा हेल्प हो सके. और अगर आप लोगों को ज़रूरत लगता है कि नहीं मैं किसी और फिजिक्स के चैप्टर को उठाऊं, क्योंकि मैं फिजिक्स ही पढ़ाने वाला हूँ मेनली यूट्यूब पे,
और बायो का आपको मिल जाएगा अन अकेडमी पे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पे आपको फिजिक्स किसी और चैप्टर से उठाऊँ, ना कि शुरुआत से उठाऊँ, कोई मेन चैप्टर से उठाऊँ या फिर वेटेज वाइज उठाऊँ, आप लोग को जो सही लगता है आप उसके लिए प्लीज़ कमेंट डाउन, राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड मुझे बताइए, इन्फॉर्म कीजिए, मैं उसे ही उठाऊंगा और उसे ही पहले कंप्लीट करूंगा, ओके। तो प्लीज़ मैं कल तक का वेट करूंगा क्योंकि परसों से वीडियो आप लोग के लिए अपलोड होने लगेंगे, ठीक है। और क्योंकि आज रात में ये वीडियो जा रहा है तो मैं कल बोल रहा था, तो क्योंकि ये आज रात में वीडियो जाएगा तो फिर क्या बोलते हैं ये अपने आप परसों के लिए शिफ्ट हो जाएगा, आप लोग समझ ही रहे हैं। तो क्योंकि बच्चे ज़्यादा देख नहीं पाएंगे, जितने ज़्यादा देखेंगे उतने ज़्यादा आप लोग कमेंट नीचे कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, जो यहाँ तक देख रहे हैं वो भी जानते हैं कि बहुत लोग पूरा वीडियो नहीं देखे हैं, है कि नहीं। तो अगर वो लोग नहीं देखें तो प्लीज़ उन्हें इन्फॉर्म कीजिए, और पिछले एक साल में मेरे साथ क्या हुआ उसका सबूत ये है, देखिए। अगर आप लोग को मन नहीं करता कि आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, मुझे भी बिल्कुल मन नहीं करता, मैं खुद भी एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन क्या करें, घर में रहना था, पापा ने बोला, पापा का डर, तो करना तो पड़ेगा ना भाई। तो बस यही चीज़ है, और भी बताऊंगा आपको अपने बारे में, लेकिन शायद अगले नीट के थोड़ा पहले, अगले नीट के थोड़ा बाद, क्योंकि अभी हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो मैंने दो चीज़ तीन बातें बताई कि मैं अनअकैडमी पे आ गया हूँ, आपको हर दो दिन पे जीके अपडेट, और दूसरा फिजिक्स फ्रॉम द एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा, अगर पॉसिबल हो पाएगा तब। मैं कॉपीराइट वायलेशन के बारे में बहुत कुछ देख रहा हूँ, मैं बहुत कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ, उन्हें क्या करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे चैनल आपको कॉपीराइट वायलेशन के कारण भी पढ़ा रहे हैं, होते हुए भी पढ़ा रहे हैं उस चीज़ से, ठीक है। लेकिन एक तो चैनल जो काफ़ी फेमस है, जो काफ़ी बड़े टीचर्स के हैं, उन्होंने कॉपीराइट इसका लिया हुआ है क्वेश्चन बताने का, इसलिए वो उससे बता रहे हैं। और मुझे अगर बताना का अगर तरीका कोई ढूंढना होगा तो मैं बस इतना ही करूँगा कि उन न्यूमेरिकल पॉइंट नंबर्स को मैं बदल दूंगा और फिर आपको वीडियो बना के दे सकता हूँ क्वेश्चन का, ठीक है। क्योंकि मैं अभी उतना बड़ा टीचर नहीं हूँ जो कॉपीराइट खरीद सकूँ किसी किताब के लिए, वो भी एनसीईआरटी गॉड है कि नहीं। तो बाकी जिनका मैंने नाम लिया इस वीडियो में उन्हें देखते रहिए, कोई डाउट हो तो मैं अपना जीमेल आईडी इसी बॉक्स के नीचे दे रहा हूँ, डाउट भेजना जल्दी जल्दी स्टार्ट कीजिए, दे विल स्टार्ट इट डाउन। और हाँ, मैं बताना था जैसा कि एक भी डाउट भी मैं करूँगा, लेकिन डाउट के वीडियो का टाइमिंग होगा, डाउट के वीडियो का टाइमिंग होगा अप टू 4 days, ठीक है, मैक्सिमम 4 दिन। अगर आपको थोड़ा कम चाहिए तो प्लीज़ बोल दीजिए, क्योंकि 4 दिन इसीलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इतना फेमस हूँ या फिर मैं जो कोई जानता भी है कि जो मुझे एक ही दिन में 50 या 60 डाउट आ जाएंगे इन सारे वीडियो, इन सारे टीचर्स के लिए रिलेटेड। अगर 10 बार आएंगे तो ठीक है, अगर 4 दिन में एक ही आया तो उसी एक ही डाउट से मैं आप लोग को उस बच्चे का नाम ले करके मैं आप लोग को उस वीडियो को बना दूंगा और आप लोग का और डाउट क्लियर कर दूंगा। सो दिस इज ऑल, ठीक है। अगर आपको दिन कम कराना होगा और मुझे लगेगा कि यार 300-300 डाउट आ गए हैं 2 ही दिन में, तो मैं फिर 2 दिन में ही कंप्लीट करूंगा उस वीडियो को बना करके, और फिर 4 दिन में काफ़ी ज़्यादा लंबा डाउट हो जाएगा। तो बस दिस इज अ थिंग। मैंने इस साल पिछले साल बहुत कुछ गलतियाँ की हैं, प्लीज़ उस चीज़ के लिए प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि मेरा सेटअप काफ़ी बेहतर बदल गया है, पिछली बार बहुत ज़्यादा ख़राब था, कैमरा काफ़ी ख़राब था, मैंने माइक लिया है, लाइटिंग सही हो चुकी है, मैं अनअकैडमी पे आ चुका हूँ, और अब वी विल फाइट बैक। थैंक यू, कीप लविंग मी एंड कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग प्लीज़। बाय बाय।